माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में जब मैंने अपनी रशिया की यूनिवर्सिटी क्रास्नोयार्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को लॉन्च किया था, तो मैंने आपको बताया था कि वो इंट्रोडक्टरी वीडियो था, एक छोटा सा एक्सप्लेनेटरी वीडियो। अब मैं हर एक पॉइंट पे क्रास्नोयार्क की वीडियोज़ करूँगा थोड़ा थोड़ा, और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा हर एक पॉइंट को, डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा यूनिवर्सिटी के बारे में, सिटी के बारे में। इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ आपको क्रास्नोयार्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में, वो बेसिक डिटेल्स जो जानना जरूरी होना चाहिए आपके लिए अगर आप चूज करते हो यहाँ पढ़ाई करने के लिए। तो सबसे पहले क्रास्नोयार्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया में है, रशिया के क्रास्नोयार्क रीजन में है। क्रास्नोयार्क रीजन रशिया की सेकेंड लार्जेस्ट रीजन है, उसका मेन सेंटर ये है, क्रास्नोयार्क सिटी जो है ये मेन सेंटर है उस पूरे रीजन का। अभी आप रशिया का मैप देखोगे, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, तो देखोगे कि पूरे रशिया के मैप के बीचों बीच सेंटर में है क्रास्नोयार्क रीजन, ठीक है। और इसके साउदर्न पार्ट पे है क्रास्नोयार्क सिटी, ब्यूटीफुल सिटी, 400 ईयर ओल्ड हिस्ट्री है सिटी की, 400 साल पुरानी शहर है। और जो यूनिवर्सिटी है जहाँ पे शहर को बनाया गया था, जहाँ स्थापना, जब फर्स्ट टाइम किस सिटी को एस्टेब्लिश करते हैं, वहीं पे एग्जैक्टली लोकेटेड है क्रास्नोयार्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा जानते हैं, यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई थी 21 नवंबर 1942 को, यानी कि हमारे आज़ादी से 5 साल पहले, ठीक है। 1942 में यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई थी, सोचिए उस टाइम की मेडिकल यूनिवर्सिटी है। उस समय इसका नाम था क्रास्नोयार्क स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट। अब इतने डिप डिटेल में नहीं जाएंगे, इन फ्यूचर में एक हिस्ट्री ऑफ क्रास्नोयार्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का वीडियो कर सकता हूँ। अभी हम बेसिक डिटेल्स जान रहे हैं कॉलेज के बारे में, ताकि ये डिसाइड कर सके कि क्या अच्छा है या नहीं है, ठीक है। तो क्रास्नोयार्क 21 नवंबर 1942 को एस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। किसने किया था आप रिसर्च करेंगे तो, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है रशियन फेडरेशन की। तो जो कॉलेज का ऑनर है वो रशियन फेडरेशन, यानी कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है वहाँ की, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है रशिया की क्रास्नोयार्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में 150 प्रोफेसर्स हैं, ठीक है, 420 PhD होल्डर्स हैं, जो कि ऑल ऑफ देम आर एक्सपीरियंस्ड, टीचिंग में एक्सपीरियंस है उनको, बहुत सारा अच्छा एक्सपीरियंस है, बिकॉज दे आर टीचिंग फ्रॉम लास्ट 15 years, 20 years, 10 years ऐसे। तो फैकल्टीज बेहतरीन है वहाँ पे, ठीक है। कॉलेज में अभी फिलहाल 5000 स्टूडेंट्स करेंटली स्टडी कर रहे हैं। उसमें क्या क्या पढ़ाई होता है, मेडिकल फैकल्टी है, डेंटिस्ट्री फैकल्टी है, फार्मेसी है, क्लिनिकल साइकोलॉजी है, सो 5-6 मतलब जो भी है हेल्थ सिस्टम से ही जुड़ा हुआ है। हमारा फोकस किस पे है, मेडिकल फैकल्टी पे है, ठीक है, मेडिकल फैकल्टी, क्योंकि हमारे बच्चे जनरली बाहर जाते ही हैं मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए, ठीक है, अफोर्डेबल स्टडी एंड गुड स्टडी, तो मेडिकल फैकल्टी में हमारा मेन फोकस होना चाहिए है। 2019 से क्रास्नोयार्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो टीचिंग होता है, उसको इंग्लिश किया गया 2019 से। इसलिए आपने इस यूनिवर्सिटी का नाम इतना नहीं सुना होगा, क्योंकि 2019 में ही उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया इंग्लिश फैकल्टी को, कि इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा अब जो भी स्टूडेंट्स हैं फॉरेन नेशनल उनको। तो NMC हमारी क्या डिमांड करती है, सबसे पहले ये देखते हैं। NMC डिमांड करती है कि 54 मंथ्स की थियोरेटिकल, 12 महीने की प्रैक्टिकल लाइसेंस मिलना चाहिए। एवरी स्टूडेंट शुड गेट द लाइसेंस टू प्रैक्टिस, जहाँ भी वो पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ लाइसेंस मिलना चाहिए, ठीक है। तीन मेन जो है जो हमारे काम की चीज़ें जानना चाहिए इनको। एक और NMC का रूल है, कुछ फ्यू टॉपिक्स है जो कि ये टॉपिक्स बच्चों को पढ़ाई होना मैंडेटरी है, कि पढ़े तो एक अच्छा डॉक्टर बन पाएगा। ये सारा कुछ क्रास्नोयार्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में है। कंप्लीट स्टडी इंग्लिश में होना चाहिए, 6 साल की पढ़ाई है विथ 12 महीने की इंटर्नशिप जिसमें इंक्लूडेड है, पूरी स्टडी जो पढ़ाई उनकी होगी वो इंग्लिश में होगी, ठीक है। लाइसेंस मिलेगा, ये बात हमारी खुद एम्बेसी कहती है जो कि मॉस्को में है। रशिया की सारी यूनिवर्सिटियों में जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उनमें लाइसेंस मिलेगा, तो NMC का कोई यहाँ पे वो कंसर्न नहीं गया। और एक बात, क्रास्नोयार्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के पास 6 डॉर्मेटरीज हैं, 6 हॉस्टल्स हैं, जिसमें उनके अपने बच्चे भी रहते हैं जो अदर सिटीज से आए हुए हैं या जो अदर कंट्री से आए हुए हैं, तो बच्चे वहाँ एकोमोडेट होते हैं। हर हॉस्टल्स में जिम है और उसमें एक सेल्फ स्टडी क्लासरूम है जहाँ खुद से अपने स्टडी कर सकते हैं। ये बात सिर्फ क्रास्नोयार्क के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो भी आपका दोस्त या कोई जानने वाला रिलेटिव घर में रशिया में पढ़ाई कर रहा हो किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अच्छी, उनसे पूछिए, हर हॉस्टल में, गवर्नमेंट हॉस्टल में जो रशिया की कॉलेज है उसमें जिम होता है, ठीक है, उसमें एक स्टडी रूम होता है सेल्फ स्टडी के लिए, हर फ्लोर पे किचन होता है कुकिंग के लिए, रशिया की हर यूनिवर्सिटी में आप पता कर लें। वही सेल्फ स्टडी क्रास्नोयार्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी है।
इसमें हमने उनको बोला था कि हमें मेस बनाने दिया जाए हॉस्टल में, ताकि बच्चों को हम मेस प्रोवाइड कर सकते। उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पर आप नहीं बना सकते, दैट्स इलीगल, हमारे यहाँ किचन है, बच्चे कुक करेंगे। तो ये उनका एक लीगल स्टैंडर्ड है, दे विल नॉट अलाउ। तो अगर हमें कुछ करना भी होगा तो हम बाहर करेंगे, बाहर एक होटल बना लेंगे या मेस सिस्टम बना लेंगे, जिसको मन करेगा ज्वाइन करें। यूनिवर्सिटी कंपाउंड में दैट्स गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, वो खुद मैनेज करते हैं, एक स्टैंडर्ड है जिसे वो कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, रूल्स क्या लीगल है क्या नहीं है, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटीज वहाँ पे अवेलेबल है, अपना स्विमिंग पूल यूनिवर्सिटी के पास, स्काई लॉज है अपना बैठ के, मतलब यूनिवर्सिटी के पास खुद का। सबसे अच्छी बात जो इस यूनिवर्सिटी की आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कैंपस, मैं इसको बोलता हूँ अपने लैंग्वेज में यूनिक कैंपस, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग जो मेन है जहाँ क्लासेस चलती हैं, जो हॉस्टल्स हैं, जो आप सब देखें अटैच्ड है। तो ये एक पॉइंट आता है कि अब क्लास से हॉस्टल कितनी दूर है, 2 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है, कुछ तो है। हॉस्टल कितनी दूर है, हॉस्पिटल कितनी दूर है, लेक्चर कहाँ लगेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग कितना दूर है, यहाँ पे आप देखेंगे कि सब आसपास है, डिस्टेंस की बात ही नहीं है, सब जुड़ा हुआ है। तो वॉकिंग डिस्टेंस, चलने वाला बस, वो भी कितना, 50 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, ऐसा। ये इसकी सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी क्रास्नोयार्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की, जो मुझे पसंद आया। अदर बहुत सी यूनिवर्सिटीज में इसका पार्टनरशिप है एब्रॉड के, जहाँ से एजुकेशनल एक्सचेंज होता है, एक एजुकेशन स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए दो यूनिवर्सिटी आपस में पार्टनरशिप करती हैं। उसी तरह क्रास्नोयार्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का एक पॉइंट पर पार्टनरशिप इंडिया की यूनिवर्सिटी से भी है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो है मेरठ में, इसका 2020 में पार्टनरशिप हुआ था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, उनसे हुआ था पार्टनरशिप क्रास्नोयार्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से। तो इनका इंडियन कनेक्शन भी है इंडियन एक यूनिवर्सिटी से, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से, ठीक है। इनके पास मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एजुकेशनल क्वालिटी ठीक है, और सबसे अच्छी बात है कि हम खुद इसे डील कर रहे हैं, तो आई लाइक टू मेंटेन द क्वालिटी एंड आई लाइक टू फुलफिल माई प्रोमिसेस, जो मैं बोलता हूँ उसे पूरा करने में बिलीव करता हूँ। और जहाँ सिर्फ मेरे अंडर सब कुछ हो, जो सब कुछ मैं खुद देख रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं एक बेहतर तरीके से अपने किए हुए हर वादे को पूरा कर पाऊँगा, क्योंकि फिर मुझे अपना डिसीजन खुद लेना होगा। ये कुछ फ्यू डिटेल्स थी क्रास्नोयार्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब देखिए इसकी पैकेज जल्दी ही नया फीस स्ट्रक्चर आने वाला है, जो इस सितंबर इंटेक से एडमिशन चालू होगा उसके लिए, उस पर एडमिशन भी स्टार्ट होने वाला है जल्दी ही, क्योंकि नीट के एग्जाम बहुत पहले होने वाला है। अभी फिलहाल स्टार्ट नहीं हुआ एडमिशन, अभी नहीं हमने पैकेज रेडी किया है, जल्दी हम विद इन ए वीक इसका पैकेज जो होगा वो सितंबर इंटेक के लिए इशू कर देंगे, सबके पास पहुँच जाएगा, क्या प्राइसेस लगेगा, क्या एक्सपेंसेस होगा, कैसे कैसे होगा। तब तक के लिए अगर कोई डाउट हो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन हो मन में, तो आप कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पे, वी विल बी अवेलेबल हियर टू गाइड यू। थैंक यू सो मच गाइज।